हेलो एवरीवन, मैंने कल कंप्यूटर ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ सीवी में ये बात की थी कि आप बहुत बेहतर स्मार्ट तरीके से ब्यूटीफुल से लुक के साथ अपनी एजुकेशन को कैसे फिलअप कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं करिकुलम वीटा में। आज हम देखते हैं कि उसी टेबल को कैसे बेहतर और बेहतर बना सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोज और कॉलम्स को घटा और बढ़ा सकते हैं, यानी इंक्रीज और डिक्रीज करवा सकते हैं। तो उस टेबल में कैसे आप और कुछ क्या कर सकते हैं, सब चीज़ हम देख सकते हैं। तो अब मैंने फाइव रोज और फोर कॉलम्स की टेबल ली थी, जो आपको पता है। ये मैंने क्यों ली थी फाइव रोज, क्योंकि एक रो में मेरी हेडिंग्स हुई थी, एक रो में हमेशा करंट क्वालिफिकेशन को ऊपर लेते हैं, तो हमने मास्टर, फिर ग्रेजुएशन, फिर हमारे इंटरमीडिएट और टेंथ स्टैंडर्ड, यानी फोर रोज हमारी क्वालिफिकेशन के लिए और एक रोज हेडिंग के लिए, और चार कॉलम काफ़ी थे। तो फाइव रोज फोर कॉलम्स का हमने टेबल लिया था, आप लोग बेहतर समझ गए होंगे। अब ये टेबल हमने एंड कर लिया था फिफ्थ रो पे। अब इस टेबल में हो सकता है कि सारे कॉलम्स में ये जो हमने लिखा है मटेरियल, ये जो हमने डाटा फिल किया है, वो हर कॉलम में इक्वल ना हो, बराबर ना आया हो हर बॉक्स में। कॉलम कैसा होता है, कॉलम्स लाइक अ बॉक्स, तो हर कॉलम में इक्वल ना हो, या जिस तरह साइटेड पर्संस के लिए डाटा पूरी तरह विजुअलाइज होता है, दिखता है उनको, उस तरह से हमारा डाटा ना दिख रहा हो, ना पूरी तरह विजुअलाइज हो स्क्रीन पर, और कुछ डाटा हिडन हो गया हो, छुप गया हो। तो इसलिए हम इस टेबल में थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ताकि कोई भी पर्सन देखें तो, या हम ऑफिस में जब काम करें या किसी का सीवी बना के दें, तो हमारे काम से तमाम लोग बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट हों और हमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। तो अब हम क्या करेंगे, ये टेबल है हमारे पास, इस टेबल को हम यानी फर्स्ट रो पे रखिए। फर्स्ट रो पे रखने के बाद शिप डाउन एरो करके आप जितना हो पाता है सिलेक्ट कर लीजिए पांच रोज में, और इसी अंदाज से आप पूरा रोज सिलेक्ट कर लीजिए। यानी एक तरीका होता है शिप डाउन एरो, शिफ्ट एंड, या फिर सारे कॉलम्स को कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, क्योंकि ये वर्ड टेबल एमएस वर्ड टेबल के कॉलम्स हैं, तो इसको एक्सेल के कॉलम्स की कमांड जो मैं आपको आगे बताऊंगी उनके उस कमांड से सिलेक्ट नहीं करेंगे। या तो आप इसको वर्ड कॉलम कमांड यानी कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, या फिर रोज कॉलम्स कमांड यानी शिफ्ट डाउन एरो, रोज सिलेक्शन कमांड से, यानी रोज सिलेक्शन कमांड शिफ्ट डाउन एरो शिफ्ट एंड से आप इनको तमाम टेबल की रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस कीजिए, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और एप्लीकेशन की के नाम से एक की आती है। अगर वो आपकी की, वो की आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ना हो, तो आप शिफ्ट के साथ F10, शिफ्ट F10 करके अपना जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वो ओपन कर ले, और वहाँ पे डाउन एरो से जाएंगे, वहाँ एक ऑप्शन आएगा ऑटो इंसर्ट टेबल या ऑटो करेक्ट टेबल के नाम से, ऑटो करके एक ऑप्शन आएगा ऑटो करेक्ट या ऑटो इंसर्ट के नाम से, आप उसके ऊपर ओके बटन प्रेस कर दीजिए या एंटर कर दीजिए। आपका सारा का सारा डाटा, जितना स्पेस चाहिए है वो उतना स्पेस लेके खुद ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, और सारा का सारा डाटा आपका उस टेबल का विजुअलाइज हो जाएगा, और बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये आपका ऑटो सेट करने से आपकी टेबल पूरे जितना कॉलम्स को स्पेस की नीड थी, उतना वो अपने अपना डाटा अपने आप कॉलम्स में खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगेन आप चाहें तो सेलेक्ट कर लें, अगर सेलेक्ट है, अगर आपने कोई और कमांड प्रेस नहीं की है तो कोई बात नहीं, से आप दोबारा नहीं किए तो दोबारा सेलेक्ट ना करें, नहीं तो सेलेक्ट कर लें। आप एप्लीकेशन की प्रेस कीजिए, एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद आप इसके अंदर डाउन एरो से जाइए, एक आएगा इंसर्ट मेन्यू आए, अगर वो सब मेन्यू बोले तो राइट एरो कर ले, इंसर्ट सब मेन्यू बोले तो राइट एरो कर ले, या कोलैप्स बोले तो राइट एरो कर ले, नहीं तो एंटर कर दे इंसर्ट मेन्यू पे। वहाँ आपको दिखाएगा इंसर्ट सेल, इंसर्ट कॉलम,
इंसर्ट रो, तो आपको अगर इंसर्ट कॉलम या इंसर्ट सेल के नाम से दिखाता है, दोनों दिखाता है इंसर्ट सेल इंसर्ट कॉलम, तो इंसर्ट कॉलम के ऊपर एंटर कीजिए। स्क्रीन रीडर अगर दोनों बताता है, दोनों नहीं बताता है, इंसर्ट सेल और इंसर्ट रोज के नाम से आता है, तो इंसर्ट सेल के ऊपर आप एंटर कीजिए। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको किधर इंसर्ट करना है, जिस कॉलम पे आपका फोकस है वहाँ लेफ्ट में, या जिस कॉलम पे आपका फोकस के राइट में। तो आप ये ध्यान रखिए कि जहाँ आपको इंसर्ट करवाना है कॉलम, ये इंसर्ट करना है ऐड करवाना है, तो उसके लेफ्ट उसी पर अपना कर्सर रखिए, फिर आप उसके लेफ्ट या राइट पे जहाँ भी चाहते हैं, अगर वो स्क्रीन रीडर आपसे एनवीडीए जॉस पूछता है, तो जैसे ही आपने इंसर्ट सब मेन्यू पे राइट एरो या इंसर्ट मेन्यू पर एंटर किया, आपने देखा इंसर्ट सेल या इंसर्ट कॉलम में से दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं, तो इंसर्ट कॉलम लेंगे। अगर इंसर्ट सेल और इंसर्ट रोज का ही आ रहा है, तो इंसर्ट सेल लेंगे। कॉलम्स में करना है, अगर कॉलम को मतलब ऐड करना है, एक नया कॉलम लेना है, तो फिर उसे पूछ, अगर वो पूछता है कि डू यू वांट टू इंसर्ट कॉलम लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो जहां आपको अगर लेफ्ट साइड चाहिए, जहां आपका फोकस था, तो आप लेफ्ट साइड पे एंटर कर दो, अगर राइट साइड चाहिए तो राइट साइड पे एंटर कर दो। ये आपका इंसर्ट कॉलम है। कल मैं इंसर्ट रो बताती हूँ, और डिलीट कॉलम डिलीट रोज कैसे करते हैं टेबल में, ये भी मैं कल आपको सिखाती हूँ। तो टेबल का काम खत्म हो जाएगा। हम परसों से अपना करिकुलम वीटा के अंदर, सीवी के अंदर सर्टिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, कल के ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।